दिल्ली में G23 की बैठक जारी है। गुलाम नबी आजाद के घर पर यह बैठक हो रही है। आपको बता दें, हार के बाद कारणों को लेकर यह मंथन किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच गांधी परिवार को लेकर एक अलग तरह की सियासत खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर भी चल रही है। गुलाम नबी आजाद के घर पर यह बैठक हो रही है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, कांग्रेस का मौसम बदल जाए इसको लेकर लगातार बैठक जारी है, एजेंडा क्या क्या है, कौन कौन से बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी बातें कुछ ऐसी हैं क्या जो अंदर से निकलकर बाहर आ पाई हूँ? चित्रा देखिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और गजब विपरीत परिस्थितियां। एक तरफ भाजपा ने लगातार योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेके चर्चा और बैठकें चल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दो दिन बाद ही यहाँ आप देखिए गुलाम नबी आजाद के घर से साउथ एवेन्यू में मजमा इकट्ठा है। और जो G21 अब हम कह लें, क्योंकि जितिन प्रसाद और योगानंद शास्त्री छोड़ गए, जो G21 के नेताओं में अब और एडिशन हो रहा है, प्रनीत कौर आ गई हैं इस एडिशन में और शंकर सिंह बघेला भी नजर आए। कई ऐसे लोग हैं जो सिग्नेटरी नहीं है, मणिशंकर आई है और वो भी अब इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि ये बैठक कपिल सिब्बल के घर पहले होनी थी, पर आपने वो बयान दिखाया जो उन्होंने दिया था अखबारों में, और उसके बाद ये संदेश देने की कोशिश है कि हम उस बयान को नहीं इंडोर्स करते, पर कांग्रेस में जो का जो भट्टा बैठ गया है, जो लगातार कांग्रेस की किरकिरी हो रही है, उस पर आत्ममंथन की जरूरत है। तो एक तरीके से कार्य समिति की बैठक के बाद भी ये बैठक अपने आप में कई सियासी मायने लेके रखी गई है। और ये देखिए, नेताओं के आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी भीतर गए हैं और लगातार जो पुराने G23 के नेता हैं, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चौहान, तो पूरे देश भर के तमाम ऐसे कांग्रेस के नेता जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और वो अभी भीतर जाते हुए। मौसमी, इसी के साथ अगला सवाल जहन में खड़े होता है, G23 की कई बड़ी बैठक बड़े हार के बाद हो चुकी है, लेकिन सिवाय इसके गांधी परिवार की आलोचना, सब कुछ बदल डालो, नए चेहरों को तवज्जो दी जाए, इसके अलावा कुछ निकलता नहीं है। आज की इस बैठक के जरिए क्या बातें निकलकर आ सकती हैं? क्योंकि एक तरफ गांधी परिवार लगातार निशाने पर है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के सामने कांग्रेस इस वक्त कहां खड़ी है, वो भी तब जब आम आदमी पार्टी भी अब उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ चुकी है। बिल्कुल सटीक सवाल चित्रा, देखिए मायने समझिए इस बैठक के। ये वो वक्त है जब कांग्रेस धरातल पे है, तमाम राज्यों में उसका सफाया हो गया है। ये वो वक्त भी है कि अगर आप G23 के नेता गिना लीजिए तो उनमें कई ऐसे नेता है जिनका सियासी करियर खत्म हो गया और उनको किसी अहम समिति में या राज्यसभा में भी जगह नहीं दी गई है। तो ये बार बार सवाल उठता है कि आखिर जो बात आप कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कर सकते हैं, वो चर्चा बार बार अलग से डिनर डेट करके क्या संदेश देना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि एक दबाव की भी राजनीति यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से सोनिया गांधी का एक संदेश गया था कि अगर आप चाहते हैं कि हम लोग कुर्बानी दें तो हम कुर्बानी के लिए तैयार है, तो कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी तौर पे, क्योंकि संगठन के चुनाव होने हैं, ये सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी को क्या चुनौती दी जाए इस संगठनात्मक चुनाव में। राहुल गांधी का फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।